हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हमेशा बहुत अच्छे रहिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आज की जो वीडियो है, एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिसकी जो रिक्वेस्ट है बहुत टाइम से आ रही है और बहुत ज़्यादा आती है इस टॉपिक पर रिक्वेस्ट, और भर भर के आती है। टॉपिक है बचत। बचत पर मैं 5 वीडियोस पहले बना चुकी हूँ। उन 5 वीडियोस को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फीडबैक दिया और ये बताया कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं मेरी बातों से, मेरी वीडियोस से, और मोटिवेट होके और आप लोग भी वो चीज़ को अप्लाई करते हैं और आप लोगों ने काफ़ी कुछ बचत की है। किसी ने 18,000, किसी ने 30,000, किसी ने कितनी। तो ये वीडियो जो होती है बचत वाली, हाईली रिक्वेस्टेड होती है कि दीदी ये वीडियो बनाओ। आपकी बातें सुनकर, आपकी वीडियो देखकर हम लोग जो है बचत करने लगे हैं। अब आप लोग बचत करने लगे होंगे, मुझे लगता है मैं कहीं ना भूल गई हूँ, क्योंकि आज के वक्त को देखते हुए इस वीडियो को बनाना मुझे सही लगा। बचत पर वैसे मैं 5 वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन आज जो वक्त आ गया है उसके अकॉर्डिंग सोचा जाए तो बचत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दे चुकी हूँ जिससे कि बचत की जा सकती है, लेकिन वापस से उन बातों को याद करना और अपने ऊपर अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज के वक्त को देखते हुए। मैंने अपनी बचत की हर वीडियो में आप लोगों को बोला है कि बुरा वक्त बता के नहीं आता है। क्या हम लोगों ने सोचा था कि आज जो वक्त आ गया है ऐसा वक्त आएगा, और आज के वक्त पे किसी की नौकरी जा चुकी है, किसी की सैलरी आधी हो गई है, किसी को मिल ही नहीं रही है, तो क्या हम लोगों ने ऐसा सोचा था? नहीं सोचा था ना। इसीलिए बचत किस लिए की जाती है कि अगर कोई बुरा वक्त आता है, क्योंकि बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता है, और अगर आता है तो हमारी जो पिछली की हुई बचत होती है इस टाइम पे, ऐसे बुरे वक्त पे जो है वो बचत हमारे काम आती है। अब जिसकी जितनी सैलरी होती है उसके खर्चे भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ते जाते हैं, तो जो सैलरीज थी लोगों की उनके खर्चे भी उस अकॉर्डिंग बढ़ गए थे, लेकिन आज के दौर पे जो है सैलरीज आधी हो गई हैं, आधी से भी कम मिल रही हैं, तो ऐसे में अब बचत कैसे की जाए और जो बेसिक ज़रूरतें हैं इंसान की वो भी पूरा करना बड़ा मुश्किल हो गया है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत लोगों की जॉब जा चुकी है, बहुतों को आधी सैलरी मिल रही है, बहुतों को मिल ही नहीं रही है, और जो प्राइवेट सेक्टर में हैं उनकी सैलरीज का और उनकी जॉब का कुछ पता ही नहीं है। जीवन अनिश्चित हो गया है। अब ये टाइम कब जाएगा, और इस टाइम के आड़ में जो लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं, सैलरीज कट कर रहे हैं, वो कब तक करते रहेंगे ये पता नहीं है। आधा साल गुजर चुका है, आधा और कैसे जाएगा किसी को पता नहीं है। तो जीवन बहुत अनिश्चित हो चुका है। जॉब रहेगी नहीं रहेगी, सैलरी जितनी मिल रही है मिलेगी या नहीं मिलेगी, या उससे भी कम मिलेगी। तो इसलिए मैं हमेशा कहा करती थी कि इंसान को हमेशा अपनी बेसिक ज़रूरतें ही जो हैं वो पूरी करनी चाहिए, और जो अपनी इच्छाएं हैं, जो अपने चंचल मन की चंचल इच्छाएं हैं, उन्हें दबा कर रखना चाहिए, और अपना जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। सबसे पहले हम बचत में क्या करते हैं कि हमें सबसे पहले, मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोलती हूँ, जितनी भी आपकी सैलरी है, चाहे तो 10,000 है, चाहे तो 20,000 है, चाहे तो 30,000 है, 40 है, 50 है, 60 है, आपको अपनी सैलरी का 10% पहले ही निकाल के रख देना है। ठीक है, आपकी सैलरी अगर मान लेते हैं 10,000 है, तो आपको 1,000 पहले ही बाहर कर देना है, और फिर आप ये मानिए कि 9,000 ही हमारी सैलरी है और उसमें अपना जो है खर्चा चलाना होता है, अपना मंथली बजट बनाना होता है। बचत करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले 10% निकाल दो, सेकंड कि आप अपना मंथली बजट बनाए। बजट बनाए बिना हम कुछ भी बचत नहीं कर सकते। जब तक हमें हमारा मंथली बजट ही नहीं पता होगा तो हम बचत कैसे करेंगे। इसलिए पहले 10% निकाल दें, उसके बाद अपना बजट बनाएं पूरा लिख करके, और फिर
अपने खर्चे महीने के जो हैं वो चलाने चाहिए। लेकिन आज का वक्त ऐसा है कि बेसिक ज़रूरतें पूरी करने में ही इंसान को वो करना पड़ रहा है संघर्ष, तो ऐसे में बचत कैसे की जाए। तो कुछ हमारे ऐसे खर्चे होते हैं जिन पर हम कमी नहीं कर सकते, और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिन पर हम कमी कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा बचा सकते हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि गृहिणियाँ ही ये सब कर सकती हैं, जो क्योंकि कुछ घरों में हाउसवाइफ जो होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो बजट बनाती हैं, घर का खर्च चलाती हैं, और कुछ घरों में जेंट्स चलाते हैं। तो ये वीडियो ओनली औरतों के लिए नहीं है, जेंट्स भी अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि बचत की। मैं छोटे छोटे ही चीज़ें बताऊंगी आप लोगों को। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारे पास पैसा आ रहा है वो तो ठीक है, उस उतने में ही हमें बचत तो करनी है, लेकिन साथ ही हमें हमारी इनकम को भी थोड़ा बहुत बढ़ाना होगा। कैसे? ज़रूरी नहीं कि आप जॉब कर रहे हैं तो आप दूसरा कोई काम ही ना करें, आप छोटे छोटे और कोई काम भी साथ में पकड़ सकते हैं और जो है उनसे पैसा जो कमाए वो आप बचत पे डाल सकते हैं, और आपको मंथली जो सैलरी एक जॉब से आ रही है उसी में आपको खर्चा चलाना है और इनकम बढ़ाने के प्रयास करने हैं। अब उसके कई तरीके हो सकते हैं आप लोगों के पास। किसी भी काम को मैं ये कहती हूँ छोटा मत समझिए। मैंने कभी भी किसी भी काम को छोटा नहीं समझा और ना ही मेरे हस्बैंड को कभी किसी भी काम को छोटा समझने दिया। उन्हें एक बार ये लगता है कि नहीं ये काम मैं नहीं करूँगा, इतने से पैसों के लिए ये काम क्या करना, लेकिन जब एक बार वो मना कर देते हैं लेकिन जब मुझसे शेयर करते हैं तो मैं वापस उनको उस काम को करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ और वो काम कर लेते हैं, और जो छोटी छोटी बचत होती है हम वो सेव कर लिया। तो सबसे पहले पिछली जो मेरी बचत की वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर हम जब बचत करना चाहते हैं, सबसे पहले आप तैयार होइए कि बचत करना चाहते हैं या नहीं, और बचत करना तो वैसे भी ज़रूरी है, हमें तैयार ही रहना चाहिए, और दृढ़ निश्चय हर चीज़ में ज़रूरी है। तो आप बचत करने का भी एक दृढ़ निश्चय जो है वो कर लीजिए। फिर सबसे पहले क्या कीजिए कि एक कारण दीजिए अपने आप को। मैंने आप लोगों को कहा था कि बचत करने का अगर हम अपने आप को एक कारण दे देते हैं तो हम बचत जो है वो कर जाते हैं। अब वो कारण कुछ भी हो सकता है, मैंने आप लोगों को बताया था किसी का मकान खरीदना हो सकता है किसी का कारण हो सकता है गाड़ी खरीदना हो सकता है, किसी का कारण हो सकता है बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाना, या कुछ भी कारण हो सकता है, छोटा बड़ा जैसा भी कारण है वो कारण आप बचत करने के लिए अपने आप को दीजिए। मैंने बचत करने के लिए कारण दिया था गाड़ी को खरीदने का। बचत करें तो अपनी बचत को जो है सैलरी अकाउंट में ना रखें, एक सेविंग अकाउंट जो है अपना अलग रखें, जिससे कि जो अगर हम सैलरी अकाउंट में रखेंगे तो वो हमारे खर्चों के साथ वो उठता चला जाएगा वो जो पैसा होगा। और वैसे भी आजकल तो हम सब लोग जो है क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो उनके थ्रू हमें पता ही नहीं चलेगा, हम चाहते भी हैं अगर कि 5,000 इस अकाउंट में रख लें या 6,000, तो वो नहीं रख पाएंगे। तो जैसे ही आपकी सैलरी अकाउंट में सैलरी आती है आप उस सैलरी में से 10% दूसरे अकाउंट में डाल लीजिए। मैं ऐसे ही किया करती थी, कोई फीस हुई, कोई मुझे अगर एडमिशन के लिए पैसा अलग रखवाना है या कोई बचत करनी है तो मैं अपने अकाउंट में अलग करवाती थी। काफ़ी झिलाती थी कि यार इधर से उधर अकाउंट्स में करवाती रहती हूँ, लेकिन मेरा ऐसा करने का एक कारण था ताकि सैलरी अकाउंट में से सब कुछ खर्च ना हो जाए। तो इस तरीके से मैं जो है कि बात होती है कि सैलरी में से ही कैसे बचाया जाए। तो बेसिक ज़रूरतें इंसान को पूरी करनी होती है, बेसिक ज़रूरतें आप लोगों को पता है रोटी कपड़ा और मकान। अगर जो मकान वगैरह है तो वो फिक्स है कि उनका रेंट, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो उतना आपको देना ही देना है, उसमें कमी नहीं हो सकती है। ग्रोसरी हुई ये फिक्स है, या बच्चे की स्कूल फीस हुई उसमें हम कमी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अब मैंने पहले कहा था कि ग्रोसरी में नहीं कर सकते, लेकिन अब मैं ये कहूँगी ग्रोसरी में, मिल्क में, वेजिटेबल्स में हम कट करके, थोड़ा थोड़ा कट करके हम बचत कर सकते हैं, क्योंकि अभी सैलरी सबकी आधी हो गई है तो उसमें से सेविंग करना बहुत मुश्किल है। फिर भी हमें क्या करना चाहिए, अपना सैलरी का जो है 10% निकालिए और ग्रॉसरी में भी कम कीजिए, थोड़ा सा मिल्क में भी कम कीजिए, थोड़ा सा वेजिटेबल्स में भी कम कीजिए, क्योंकि हमारी ज़रूरतें, हम जितना पैसा हमारे पास आया करता है तो हमारी ज़रूरतें भी उतनी बढ़ती जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी लाइफ स्टाइल जो है वो बना लेते हैं। और अगर चाहें तो हम बहुत कम में भी अपना जो है जीवन
चला सकते हैं। मैं 2-3 दिन से इस चीज़ पे जो है वर्क कर रही हूँ कि कैसे अपनी ग्रॉसरी में कमी करूँ। अभी जो है मैं नॉर्मल वही खर्चे कर रहे हैं हम लोग जो कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब उन बहुत ज़रूरी खर्चों से में से भी हम कैसे छोटी छोटी बचत करें। आज के दौर में अगर हमारी सैलरी में से 1,000 रुपया भी बच जाता है तो मेरे ख्याल से वो बहुत है। एक 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 1,000 करके ही जो है घड़ा भरेगा, या वो 1,000 उस टाइम पर काम आएगा जब हमारा कोई बुरा वक्त जो है आएगा। तो ऐसी छोटी छोटी बचत के लिए मैंने ग्रॉसरी में कमी करने का सोचा, मैंने मिल्क में थोड़ा सा कमी करने का सोचा। हालांकि कई लोगों को इससे एतराज़ होता है कि ये तो कंजूसी हो गई, ये ऐसा हो गया या वैसा हो गया। नहीं, मैं ऐसे मितव्यता कहूँगी क्योंकि आगे का वक्त किसी ने नहीं देखा है, किसकी जॉब रहेगी किसकी नहीं रहेगी, सैलरीज कब तक आधी आएंगी कब पूरी आएंगी और कब किसी की जॉब चली जाए। तो इस वजह से जो हमारे खर्चे चल रहे हैं, बेसिक ज़रूरतें भी जो चल रही हैं हमारी, उन बेसिक ज़रूरतों में से भी हमें थोड़ा थोड़ा बचाना होगा और हमारी जो है मंथली थोड़ी थोड़ी बचत जो है वो हमें करनी होगी। तो अब आज के समय को देखते हुए बचत के इतने इतने से छोटे छोटे टिप्स दूंगी, लेकिन वो बहुत कारगर होते हैं अगर हम अपने ऊपर अप्लाई करें। इन चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ों की आदत डालें तो हम छोटी छोटी बचत कर सकते हैं, और छोटी छोटी बचत ही आगे जाके बड़ी बचत बनती है और हमारे बुरे समय में हमारा काम आती है। मैं आपको बहुत बार जो है वो कह चुकी हूँ। अब आज का समय ऐसा है कि पूरी सैलरीज तो मिल नहीं रही, तो अब जब सैलरीज ही पूरी नहीं मिल रही है या किसी की जॉब ही नहीं है या जॉब रहेगी नहीं रहेगी का ऐसा है, तो ऐसे में जितना पैसा है उतने में ही थोड़ी थोड़ी बचत की जाए और अपनी जो मैं हमेशा कहती हूँ बेसिक ज़रूरतें ही पूरी करें, लेकिन उन बेसिक ज़रूरतों में भी हम कमी थोड़ी बहुत कर सकते हैं। कैसे वो मैं आपको जो है बताती हूँ। जैसे कि ग्रॉसरी हुई, जैसे कि मिल्क हुआ, जैसे कि वेजिटेबल्स हुई, इन सब चीज़ों में हम थोड़ी थोड़ी जो है वो बचत कर सकते हैं और इन सब चीज़ों को जहाँ से हम खरीद रहे हैं उससे भी काफ़ी जो है वो फ़र्क पड़ता है। तो ग्रॉसरी है, सबसे पहले घर पे देख लें कि कितना सामान रखा है कितना नहीं रखा है। कई बार हम ऐसा करते हैं कि भूल में ही कोई पीछे के डब्बे में हमारे मसाले या कोई चीज़ रखी होती है और हम जो आगे आगे के डब्बे ही जो है वो छान मारते हैं और जो पीछे के देखते नहीं, और जो पीछे के में जो वो सामान रखा होता है फिर भी हम अपनी लिस्ट में डाल लेते हैं तो वो डबल सामान आ जाता है। उस महीने का बजट में से हम थोड़ा बहुत पैसा इस तरीके से बचा सकते हैं जो कि हम नहीं बचा पाते हैं इस छोटी सी गलती के कारण। दूसरा, हम कई बार करते हैं कि जैसे मैं भी ये करती हूँ कि डब्बे भरे हुए मुझे अच्छे लगते हैं तो जो चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है वो भी मैं मंगवा लेती हूँ कि यार डब्बा बस भरा हुआ होना चाहिए। तो जैसे 4-5 दालें हैं, उनमें से 4 दालें मेरे पास पूरी अभी भी रखी हैं और जो है 1 दाल कोई कम है तो मैं सोचती चलो आधा किलो मंगा लेती हूँ या पाव भर मंगा लेती हूँ ताकि डब्बा भरा रहे। तो ये चीज़ या ये गलती हम करते हैं जिससे कि हम अननेसेसरी बाइंग कर लेते हैं। तो ग्रॉसरी में हम इस तरीके से कमी कर सकते हैं और बेसिक चीज़ें ही मंगाएं। आटा, रोटी के लिए आटा, दाल, चावल, चीनी और ये चाय पत्ती और कुछ मसाले और जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं वही मंगाएंगे तो हमारी ग्रॉसरी बहुत कम दामों में आ जाएगी। यहाँ के प्राइस के अकॉर्डिंग 2,000 से 2,300 तक में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आ जाती है। बेसिक ग्रॉसरी में जो आती हैं जो कि सूजी, मैदा और ये सब हुआ, ये भी 1-1 किलो जो चीज़ एक चीज़ और कि जो चीज़ आप जो मंगवा रहे हैं 1 किलो उसमें थोड़ी सी कमी कर दीजिए, उसको 1.25 किलो मंगा लीजिए या फिर 0.5 किलो जो है वो मंगवा लीजिए। तो थोड़ा थोड़ा हर चीज़ में कमी करेंगे तो थोड़ी थोड़ी करके चाहे 100 चाहे 200 चाहे 300 की भी बचत होगी तो वो थोड़ी थोड़ी हर ज़रूरत में से भी 300 भी हमने बचाया तो वो हमारी मिल के कुछ 1,000 की बचत हो जाएगी। ऐसे ही हम फीस में तो कटौती कर नहीं सकते हैं और जो है हमारा अगर घर रेंट का है तो उस पे भी हम कमी नहीं कर सकते हैं। बिजली का बिल जो है उसमें हम कमी कर सकते हैं, एक ही रूम में बैठे ही मैं आपको बहुत बार कह चुकी हूँ। और अभी बिजली के बिल जो है मैंने देखा हमारा, ओ माय गॉड कितना आया है मैं बता नहीं सकती, आगे के वीडियोस में आपसे शेयर करूँगी। तो जो बिजली का बिल है वो बिना यूज़ किए ही इतना आ रहा है तो ऐसे में क्या किया जाए। तो एक रूम में बैठे और अगर कूलर चल रहा है तो पंखा ऑफ कर दें, अगर एसी और कूलर है और एसी यूज़ करते हैं तो एसी की जगह कूलर यूज़ लें तो बिल थोड़ा कम आएगा। और जो वॉशिंग मशीन अगर आप यूज़ दे रहे हैं तो
कपड़े जो है एक दिन छोड़ के एक दिन धो लीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने हाथों से धो सकते हैं डेली यूज़ के, और हफ्ते में एक बार मशीन जो है वो लगा लीजिए, जैसे कि चद्दर हुआ, जीन्स पैंट वगैरह हुई ना, तो वो मशीन में धो लीजिए। बाकी जो नॉर्मल होते हैं हमारे कपड़े, वो हम अपने फैमिली मेम्बर्स से भी कह सकते हैं कि अपने एक एक दो दो कपड़े अपने आप जो है निकाल लें। तो इस तरीके से बिजली के बिल में थोड़ी सी कटौती करके हम बचत कर सकते हैं, क्योंकि बिजली का बिल अगर ऊपर आता है तो हमारा पूरा बजट जो है वो चरमरा जाता है। तो इस वजह से बिजली के बिल में हम इस तरीके से कटौती करके थोड़ी सी बचत कर सकते हैं। दूसरा मिल्क है, मिल्क हम जितना भी लेते हैं उसमें से, फिर मैं वही कहूँगी, थोड़ा सा जो है मिल्क हम कम ले लें। अगर हम 1 किलो लेते हैं तो 1.25 किलो ले लें। जैसे कि मेरे फैमिली में मिल्क ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है, हम तीनों एक बार चाय पीते हैं, अभी अब गर्मियाँ हैं तो थोड़ा मिल्क शेक वगैरह ले लेते हैं, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा कम कर दें। अब कई लोगों का इसमें आता है कि मैं जो है कंजूसी वाली चीज़ बता रही हूँ, या मैं इसे कंजूसी नहीं कहूँगी, मैं इसे मित्रता कहूँगी, क्योंकि हमें खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। तो जितना हो सके अपनी जीभ पर भी कंट्रोल रखें। सब्ज़ी भी मैं ये कहूँगी कि खाने में भी सिर्फ रोटी और सब्ज़ी, एक सब्ज़ी और रोटी बनाई जाए तो बेटर होगा, और वही सब्ज़ी बनाएं जो आपके बच्चों को पसंद है, क्योंकि बच्चों के थोड़े से नखरे होते हैं। हम पेरेंट्स तो जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं, हम तो सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो हर चीज़ नहीं खाते हैं। क्योंकि अगर हमने हमारी पसंद का कुछ बनाते हैं हम, जैसे कि करेला बना लिया या टिंडा बना लिया या बैंगन बना लिया, तो वो बच्चे नहीं खाएंगे, और उनके लिए हमें एक सब्जी और बनानी पड़ेगी। अब कहने को सिर्फ ये एक सब्जी हो जाएगी कि बच्चे के लिए इतनी सी तो चौंकनी है, इसमें इतनी कंजूसी क्या करनी, लेकिन डेली वही चीज़ चलेगी तो देखिए एक सब्जी भी एक्स्ट्रा लगेगी, एक तेल भी एक्स्ट्रा लगेगा, मसाले भी एक्स्ट्रा लगेंगे, और जो है गैस भी एक्स्ट्रा लगेगी। तो इस तरीके से हर चीज़ आप देख रहे हैं, सब्जियां भी महंगी है, गैस भी महंगी है, बिजली भी महंगी है, तो हर चीज़ महंगी है। तो इसमें हम इस तरीके से छोटी छोटी बचत करके हम महीने का कुछ 1000 या 1500 भी अगर बचाते हैं इस माहौल में, तो वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स जो है हम जब खरीदते हैं तो वो भी इस बात का ध्यान रखें कि जो वेजिटेबल्स हम खा रहे हैं, जो फ्रूट्स हम खा रहे हैं वही खरीदें, और जो नहीं खा रहे हैं, जो हमारी पसंद का नहीं है, वो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ना खरीदें। तो जो आपके बच्चे खा लेते हैं वेजिटेबल्स लाइक भिंडी और ये सब, तो वही वेजिटेबल्स आप भी उनके साथ खा लीजिए। ज़रूरी नहीं कि ये सब चीज़ें लेनी ज़रूरी हो। एक हफ्ते ऐसा भी कर सकते हैं कि एक हफ्ते हमने ये सब चीज़ें ली, करेला टिंडा और ये और वो कुछ बच्चों के पसंद की, और नेक्स्ट वीक हम ना लें करेले वगैरह। तो इस तरीके से हम थोड़ी 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 बचत कर सकते हैं। इससे आप अपनी पसंद का भी खा लेंगे, बच्चों की पसंद का भी खा लेंगे। जहाँ तक हो घर की बनी सब्जियाँ खाएँ, गट्टे हुआ, पकौड़ी हुआ, दालें हुई, पतोड़ हुआ, आटे से भी हम कई सब्जियां बना सकते हैं चाहें तो। अगर हमारे दिमाग में क्रिएटिविटी है तो हम बहुत सी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, बहुत सी इनोवेटिव डिशेस जो हैं हम बना सकते हैं। तो ग्रॉसरी में इस तरीके से कमी करके, मिल्क में इस तरीके से कमी करके, वेजिटेबल्स में इस तरीके से कमी करके, बिजली के बिल में इस तरीके से कमी करके हम थोड़ी थोड़ी बचत कर सकते हैं, क्योंकि आज के माहौल में छोटी बचत को ही मैं बड़ी बचत मानूंगी। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे थे कि मैं कहीं भूल ना जाऊँ छोटे छोटे भी। और जहाँ से भी आप खरीदने में भी ग्रॉसरी अगर आप ये ध्यान दें कि कहाँ आपको किफ़ायती दामों में मिल रहा है। अब मैं कई बार कहती हूँ कि भाई वहाँ से मत लीजिए, बिग बाज़ार और से रिलायंस और से, और वहाँ पे तो कई लोग कहते हैं वहाँ पे तो सस्ता मिलता है। तो भाई आपको जहाँ से भी सस्ता मिल रहा है वहाँ से आप सस्ता सामान लीजिए। मैं होलसेल की दुकान से लेना प्रेफर करती हूँ, और जहाँ से भी ऑनलाइन आपको सस्ता मिल रहा है तो ऑनलाइन लीजिए। लेकिन रिलायंस और बिग बाज़ार जाने के लिए मैं इसलिए मना करूँगी, वहाँ अगर सस्ता भी मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, अननेसेसरी बाइंग कर लेते हैं। अब चार चीज़ें दिखेंगे, बच्चों के साथ भी जाएंगे और हम भी अगर जाएंगे तो हमें चार चीज़ें दिखेंगी या नहीं दिखेंगी। तो हमें जो चीज़ नहीं भी चाहिए होती है ना, हम वो चीज़ भी अपने बास्केट में ट्रॉली पर डाल लेते हैं। इससे क्या होता है, वो फिजूल खर्ची हो गई, और हमारा जो बजट है, चाहे हम बजट लेके चले कि 1000 के अंदर हम ये चीज़ ले आएंगे, लेकिन हम रिलायंस या बिग बाज़ार में जाते हैं तो 100 चीज़ें हमें दिखाई देती हैं और हम वो डाल लेते हैं। 1000 की जगह हम क्या कर लेते हैं, 2-2.5-3 हज़ार का खर्चा जो है वो कर लेते हैं। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें हम पे हम बचा सकते हैं। जैसे कि अगर हम शैम्पू ले रहे हैं, साबुन ले रहे हैं, सर्फ ले रहे हैं, तो वो आप कम वाले लीजिए। पियर्स, जैसे मैंने आपको एक बजट वीडियो में बताया था कि पियर्स साबुन लेंगे तो
तो एक ही 45, 50 या 60 की आएगी, उसकी बजाय हम 10 या 15 वाली साबुन 5 या 6 ले लेंगे तो क्वांटिटी भी ज़्यादा आएगी और कम पैसों में ज़्यादा साबुन जो है वो आ जाएगी। तो वहाँ पे यहाँ हमारे बजट में थोड़ी सी जो है कमी होगी। ऐसे ही शैम्पू का डब्बा ना लेकर के हम उसके पाउच लें 1-1 रुपए वाले तो बहुत बचत हो जाती है। उसका एक्सपीरियंस मैं अपना बता रही हूँ इसलिए कि जब मैं शैम्पू का बड़ा डब्बा लेती थी तो क्या होता था कि वो पूरे महीने चलता भी नहीं था और क्या होता था कि ज़्यादा निकल जाता था। अगर हमारे बच्चे भी घर में होंगे और वो बड़े होंगे अपने आप से नहाने वाले हुए तो बच्चों को थोड़ी ना पता है कि कितना लेना है कितना नहीं, वो तो बस लिया और बस लगाया, तो ऐसे में वो ज़्यादा भी निकाल के डब्बे में से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पाउच यूज़ लेते हैं शैम्पू के तो 1 या 2 पाउच एक बंदे को पकड़ा दिया और बस उसमें लिमिटेड होता है जितना है उतने में हमें बाल धो लेने। तो इस तरीके से शैम्पू के जो आप अगर बड़े डब्बे लेते हैं तो थोड़ा सा प्राइस भी ऊंचे होते हैं और अगर हम पाउच वो यूज़ देते हैं तो थोड़ा बजट में। हाँ, ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें करके ही हम अपने बजट पे और अपनी बचत बजट में कमी कर सकते हैं और बचत को कर सकते हैं। ऐसे ही मैं ये कहूँगी कि ब्रांडेड चीज़ों पे ना जाए, जैसे कि सर्फ़ का मैंने कहा था कि एरियल और सर्फ एक्सल लेने की बजाय हम सस्ता वाला सर्फ भी ले सकते हैं, उसी से हम हाथों से कपड़े धो सकते हैं। काम वो हर चीज़ वही करती है, महंगी वाली चीज़ भी आपको वही काम देगी, सस्ती वाली चीज़ भी आपको वही काम देगी। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 रुपये भी अगर हम बचाते हैं तो ये हर चीज़ में 20-20, 30-30 जुड़ के जो है वो आगे एक पूरा 100 का नोट भी बनता है और 500 का भी बनता है, 1000 का भी बन जाएगा और 2000 का भी बन जाएगा। तो अगर हम ये छोटी छोटी आदतें अपनी जीवन शैली में डाल लेंगे तो हम छोटी छोटी बचत करके बड़ी बचत जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। मैं हमेशा आप लोगों से एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि ब्रांडेड पे ना जाएं, जहाँ तक हो सके ब्रांडेड लीजिए। पैसा है, जितना पैसा होता है उतना हम खर्च करते हैं, ब्रांडेड भी वही काम देती है, ब्रांडेड चीज़ भी और बिना ब्रांड की चीज़ भी वही काम जो है वो दे रही होती। एक वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि मैं एक शॉप पे गई थी और मैंने जो है एक कुर्ता इन्होंने पसंद किया था, ब्लॉक प्रिंटिंग का था सिटी में, उस कुर्ते की प्राइस थी 650 और वही प्राइस जो है बीबा वगैरह में देखो तो वो 1600, 1700, 1800, 1800 या 2000 या 2200 का था। तो चीज़ वही थी, मटेरियल वही था, प्रिंट वही थी, सब कुछ वही था। वो वहीं छोटी दुकानों से बनकर ही वहाँ बड़े शोरूम्स में जाते हैं। तो जब भी आप कुछ चीज़ें खरीदें, कपड़े वपड़े, तो ब्रांडेड पे इतना ना जाए। जहाँ आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में मिला, 4 जगह आप ढूंढिए, दूसरे कई दुकानों में देखिए कि ये शॉपकीपर कितना सही देता है दाम, ये वाला कितना सही देता है, ये चीज़ इससे इतनी महंगी, मैं ये 4 चीज़ें देखती हूँ। और दूसरा फिर ऑनलाइन भी सर्च करती हूँ कि जो चीज़ ऑनलाइन सस्ती है मैं वो ऑनलाइन ले लेती हूँ और जो चीज़ यहाँ लोकल मार्केट से सस्ती है मैं वो लोकल मार्केट से ले लेती हूँ। तो कुछ कपड़े जो हैं जो मैंने आप देखेंगे कि कुछ मेरे ऐसे कपड़े होते हैं जो 230 में भी, मेरी शॉर्ट ड्रेसेस अगर आपने देखी होंगी जब मैं घूमने गई थी तो वो 230 रुपीज़ की थी एक ड्रेस, कितनी सस्ती हुई ना, और लगने में भी बढ़िया लग रही थी, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत गंदी लग रही हो। तो ब्रांडेड पे हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे में हम एक ही ड्रेस खरीद सकते हैं, और जो अगर हम नॉन ब्रांडेड खरीदेंगे तो जो है उसी पैसे में हम 3 से 4 ड्रेस भी जो है वो खरीद सकते हैं। अब ब्रांडेड लेंगे हमारे पास एक ही ड्रेस आएगी और होगा क्या, हम वही पहन तो नहीं सकते ना, एक ड्रेस पहन के एक बार दो बार तीन बार हम खुश होली, बाद में हम खुद ही बोर हो जाते हैं। तो मैं इसलिए ब्रांडेड पे नहीं जाती, यही चीज़ मैंने मेरे हस्बैंड को भी सिखा दी, वो भी ब्रांडेड पे जाना उन्होंने छोड़ दिया। तो जो चीज़ हमें पसंद आती है, जो स्लीपर्स हैं, बेलीज हैं, वो भी मैं पसंद से लेती हूँ अपने, और जहाँ रीजनेबल प्राइस की मुझे मिल जाए मैं वहाँ से जो है इलू की भी और मेरी भी, मैं तो मेरी तो बहुत ही कम दामों वाली लेती हूँ और वो चलती भी इतना है पता नहीं कैसे, इलू को मैं फिर भी अच्छा खासा दिलाती हूँ, लेकिन अपने में मैं कभी भी ब्रांडेड पे नहीं जाती। तो ब्रांडेड पे ना जाए, बिना ब्रांड वाली चीज़ भी आपको वही फीलिंग और वही अच्छी चीज़ जो है वो देगी। हाँ, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कंफर्टेबल होती हैं कई ब्रांडेड चीज़ें, और जो नॉन ब्रांडेड होती हैं वो कुछ चीज़ें अनकंफर्टेबल होती है। ऐसा मत कीजिए कि जहाँ आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है वहाँ पे भी आप नॉन ब्रांडेड पे चले गए, नहीं। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो बहुत कंफर्टेबल भी होती हैं और बहुत कम दामों में भी मिलती हैं। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ इस तरीके से छोटी छोटी बचत करके हम अपनी बड़ी बचत जो है वो बना सकते हैं हम। और ये मेरी बातें उन्हें ज़्यादा समझ आएंगी जो गृहिणियाँ हैं,
वही ये सब ज़्यादा समझ पाएंगी। बाकी कुछ लोगों को लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा कंजूसी की बातें कर रही हूँ या, लेकिन आज के समय को देखते हुए मैं बता रही हूँ कि इस तरह की अगर हम मितव्ययता करते हैं, फिजूल खर्ची से बचते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में बचत करते हैं, तो हम छोटी छोटी बचत करके थोड़ी हमारे बुरे समय के लिए जो है अपनी फैमिली का सहारा बना सकते हैं। हम औरतें ही ये सब कर सकते हैं। छोटी छोटी बचत कीजिए, जहाँ से कोई एक्स्ट्रा पैसा आया आपका, कोई भाई दूज का है आपका कहीं का भी है, आप अपनी गुल्लक में डाल दीजिए या कहीं छुपा के रखिए और उसे इकट्ठा करते जाइए, किसी को भी मत बताइए। और फिर आप एक दिन देखेंगे आपके पास कुछ पैसा इकट्ठा होगा, फिर आप जो है अपनी पसंद का या अपनी फैमिली की किसी ज़रूरत को पूरा कर सकते। तो यही छोटी छोटी बचत हमें आगे सहारा देती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। आगे और भी मुझे कुछ पॉइंट्स याद आए तो मैं आप लोगों से बताऊंगी। अभी मैंने फ़ैन ऑन नहीं कर रखा और गर्मी इतनी है, इस वजह से पसीना आ रहा है। तो यही मैं कहना चाह रही थी, जैसे ही मुझे याद आता है छोटी छोटी और चीज़ें तो मैं आप लोगों से और शेयर करूंगी।